नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मैं मेरे से ना जॉब ऑफ क्वारिशन में असले आया। अच्छा खबर, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में रिक्रूटमेंट निकला है। क्या क्या वैकेंसी है, जैसे कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर, उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहला पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए निकला है, उसके बाद आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल एंड अकाउंट एंड लॉ के लिए निकला है, एंड मेडिकल ऑफिसर के लिए निकला है। तो पहले आपका सल्टेक असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके में आपका पोस्ट कोड ए है। सैलरी होगा 60,000 से 1,80,000 तक होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी है 30 तक है, और आपका एगो का लिमिट है 30 तक अप्लाई कर पाएंगे। सेकेंड है आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल, दरमा सेम रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 27 है, और आपको एगो का लिमिट है 28 तक अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट के लिए, दरमा सेम रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 22 है, एगो का लिमिट 28 तक है आपका। उसके बाद लॉ का है, लॉ का भी सेम सैलरी है। नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है, एगो का लिमिट 33 तक है। सपोज आपका मेडिकल ऑफिसर के लिए है, सैलरी होगा 15,000 तक, 1,50,000 तक होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी आपका 2 है, एगो का लिमिट 35 तक है। उसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब डिटेल्स में बताऊंगा। पहले आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए आता हूँ, जब का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आपका क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, नहीं तो आपको SCA बा IICW में करना होगा, नहीं तो आपका बैचलर डिग्री लॉ में होना होगा। 5 ईयर इंटीग्रेट कोर्स होने से भी हो जाएगा। प्लस आपका अगर ST SC बा फिजिकल हैंडीकैप होने से आपको 50% होने से अप्लाई कर पाएंगे। टेक्निकल के लिए आपको BSc एग्रीकल्चर होने से, नहीं तो BBTEC फूड साइंस, नहीं तो BBTEC आपका फूड साइंस टेक्नोलॉजी से होने से, नहीं तो आपका BBTEC एग्रीकल्चर, नहीं BTEC आपका बी बायोटेक्नोलॉजी होने से भी आप अप्लाई कर पाएंगे। नंबर आपका अकाउंट के लिए आपका मेंबर होना असिस्टेंट अकाउंट, सर्टेन अकाउंट से, नहीं तो आपका कोर्स अकाउंट, नहीं तो आपको कंपनी या सेक्रेटरी में होने से भी अप्लाई कर पाएंगे। आपका सही है, फुल टाइम आपका डिग्री लॉ सही है, और 5 ईयर एक्सपीरियंस आने से आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS डिग्री सही है, 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना होगा तो प्रेफरेंस मिलेगा, और आपका MD या MS होने से आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो आपका मेंशन करके रखा है ST SC एंड OBC के लिए एगो रिलैक्सेशन, ST के लिए SC के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स एगो रिलैक्सेशन है आपका। फिर आपका एग्जाम का सेंटर देखा है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, ऐसे आपका असम कहाँ पर होगा, बिहार कौन से स्टेट में होगा, तो डिटेल्स में देख के रखा है। यहाँ पर 35 पॉइंट वाला है, SC ST एंड फिजिकल हैंडिकैप होने से आपको एप्लीकेशन फीस नहीं देना होगा। आपका आधार कार्ड होने से 1,000 का फीस देना होगा आपको। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट होगा 1 मार्च 2021 से, एंड लास्ट डेट 31 मार्च 2021 तक। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करनी है, वीडियो को अच्छा लगे लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।